अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाद सलीम और आज हम सीसीटीवी की दुनिया में जो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम। लेकिन इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर ये सिलसिला सीसीटीवी की दुनिया का आपको पसंद आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और अपनी कीमती आवाज से हमें जरूर बताइए। कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में हमें जरूर इससे मतलब फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं स्ट्रक्चर से। हमने आपके लिए स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की है फकत चार पॉइंट्स के अंदर। एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम जो है, जो बड़ा ही रिजिड और यूं समझ लीजिए कि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो पिछले 15 से 20 साल से बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है और अभी भी हमारे एशिया में और पाकिस्तान में स्पेशली एनालॉग सिस्टम के कैमराज अब तक लगे हुए और चल रहे हैं माशाल्लाह। तो इसको नेटवर्क में कन्वर्ट होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन नेटवर्क में आहिस्ता-आहिस्ता ये बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास एनालॉग काम कर रहे हैं वो लोग अभी भी उसी एनालॉग सिस्टम पे काम करना ज्यादा उन्हें आसान लगता है। ठीक है, एक नफसियाती असर भी है क्योंकि एनालॉग सिस्टम स्ट्रेट अवे काम करता है, उसमें चंद चीजें होती हैं और उसी प्रिंसिपल पे अमल करके वो पिक्चर आप तक पहुंचा देती है। जबकि जदीद दौर के तकाजे जदीद हैं और हमें डिजिटल दौर के हवाले से नेटवर्क पे जाना पड़ता है, तो नेटवर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं मुश्किल हरगिज नहीं कहूंगा, हर वो चीज जो समझ में आ जाए वो आसान होती है और जो ना समझ आए वो मुश्किल कहलाती है। तो एनीवेज हमने इसका स्ट्रक्चर जो एनालॉग कैमरा सिस्टम की सूरत में है वो आपके लिए इन चार पॉइंट्स में डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे एनालॉग कैमरे का है वो उस स्ट्रक्चर में आता है जी, एनालॉग कैम। सबसे पहली चीज इसमें है एनालॉग कैम, ऐसा कैमरा जो एनालॉग सिग्नल आपको प्रोवाइड करता है। और वो क्या करता है, पहले काम जो ये करेगा वो कैप्चरिंग इमेज करेगा, अपने सामने से गुजरने वाले जितने मनाजिर हैं उनको अपने अंदर कैप्चर करेगा और उसके बाद उस सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देगा। किन सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एनालॉग सिस्टम के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस तक। ट्रांसमिट यानी तरसील कर देगा, ये अपने पास से दूसरी जगह भेज देगा विद नो टाइम। ठीक है जी। सेकंड स्ट्रक्चर में जो हमारी आती है चीज, दैट इज केबल। केबल जो है बुनियादी तौर पर ट्रांसमिशन का एक जरिया है, तरसील का एक जरिया है। एक जगह से दूसरी जगह पर किसी सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए केबल एक अहम किरदार अदा करती है। वायर्ड सिस्टम में केबल का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो किस्म के, जैसे हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं तरसील के जरिए जो सीसीटीवी में है वो दो किस्म के, विद वायर एंड विदाउट वायर, यानी वायरलेस। तो एनालॉग सिस्टम जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं विद वायर है, केबल है, और इसमें दो किस्म की ट्रेडिशनल केबल यूज होती है। मैं ट्रेडिशनल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये काफी देर से और काफी पिछले 10 से 15 सालों से ये काबिल इस्तेमाल में है। अब ये केबल जो है ज्यादातर केबल वाले लोग जो केबल नेटवर्क टीवी इसका काम करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वैक्स केबल। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट फॉर्म जो है क्वैक्सियल केबल है। क्वैक्सियल केबल जो है RJ6, RJ7, RJ11 इस सूरत में आपको मार्केट से इस ब्रांड की, इस गेज की आपको अवेलेबल होती है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। तो ये केबल जो है एनालॉग सिस्टम में भी बहुत बखूबी काम करती है। और इसके साथ साथ जो हमारी बड़ी फेमस केबल है एनालॉग कैमरास और एनालॉग सिस्टम के हिसाब से, वो है हमारी सीसीटीवी केबल, दैट इज 3+1 केबल। 3+1 केबल इसलिए फेमस है कि ये मल्टीपल केबल है और हमें एक ही केबल एनालॉग सिस्टम में बड़ी उम्दगी से हमें सहूलत प्रोवाइड करती है कि हम इस पे वीडियो सिग्नल भी भेज सकते हैं, हम इस पे ऑडियो सिग्नल भी भेज सकते हैं और इसी केबल पर हम अपना पावर सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि तीनों चीजें जो एक एनालॉग कैमरे को चलाने के लिए बहुत जरूरी है वो तीनों हमें एक ही केबल में मुहैया कर दी जाती है। जबकि जहां जहां हम कोएक्सियल केबल की बात करेंगे, जो पहले हम करते रहे, उन कोएक्सियल केबल में सिर्फ वीडियो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसके साथ हमें पाबंद होते थे कि हम पावर सोर्स के लिए अलग से केबल यूज करें। तो इसका मतलब यह होता था कि हर कैमरा जहां जहां एनालॉग कैमरा लगा है वहां पर ना सिर्फ एक कोएक्स केबल जाती थी बल्कि इसके साथ साथ हमें पावर सोर्स के लिए अलग से केबल डालनी पड़ती। तो एटलीस्ट कम से कम दो केबल होती थी और अगर कभी ऑडियो की जरूरत होती थी तो उसके लिए फिर एक सेपरेट केबल की जरूरत होती थी। सीसीटीवी 3+1 केबल ने हमारा ये मसला जो है बड़ी बखूबी से हल कर दिया और ये बड़ी ही इस दुनिया से एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम में अभी तक बड़ी कामयाबी से ये केबल जो है हमें ट्रांसमिशन का काम करके दे रही है। ठीक है जी। और इसके स्ट्रक्चर में हमारी जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑफ कोर्स DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जो भी हम इमेज एनालॉग कैमरास कैप्चर करते हैं ये इमेज इस ट्रांसमिट कर देते हैं केबल के जरिए DVR तक, और DVR तक उस मतलूबा DVR जो है उस मतलूबा पिक्चर को अपने अंदर रिकॉर्ड करता रहता है और एक मखसूस टाइम तक जितनी उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा दी गई है तब तक ये रिकॉर्ड अपने अंदर महफूज रखता है।
क्योंकि रिकॉर्डर के बगैर कोई भी सिस्टम जो सिक्योरिटी से मुंसलिक है वो पायदार नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, रिकॉर्ड के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। क्योंकि अगर रिकॉर्ड ना हो तो ये सिस्टम खाली कैप्चर का काम करेगा, जैसे आपके डिजिटल कैमराज हैं वो कैप्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है जी। एंड इसके स्ट्रक्चर में यानी इसकी साथ में लास्ट चीज जो है दैट इज मॉनिटरिंग डिवाइस। मॉनिटरिंग डिवाइस बड़ी कॉमन सी चीज है जनाब, आपको एनालॉग कैमरे को जब तरसील कर देते हैं इसके इमेजेस को केबल के थ्रू रिकॉर्डर पे, तो रिकॉर्डर आपको जिस डिवाइस पे ये दिखाता है जिस पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग डिवाइस। और ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग डिवाइस बड़ी कॉमन है, आप अपने मॉनिटर को, अपने टीवी को, अपने एलसीडी को, अपने एलईडी को मॉनिटरिंग डिवाइस कर सकते हैं, जिसके कह सकते हैं जिसके ऊपर आपको आपका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर आपकी पिक्चर दिखाता है, राइट जी। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए ये चार पॉइंट खासे मौजू हैं, और आप आसान अल्फाज में इसको समझा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली पास ऑन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे मैं बता चुका हूँ एनालॉग कैप्चरिंग के लिए है, केबल ट्रांसमिशन के लिए है, डीवीआर रिकॉर्डिंग के लिए है, एंड फाइनली मॉनिटरिंग डिवाइस उस रिकॉर्डिंग को दिखाने के लिए, ठीक है जी। तो हमारा ये शॉर्ट सा लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में यकीनन इजाफा हुआ होगा। सीसीटीवी की दुनिया में इस तरह के कीमती लेक्चर देखने के लिए आप हमारी जो साइट है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी कीमती राह से मैं फिर अर्ज कर दूं कि जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।